जैसे शाहरुख खान के फैंस डंकी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं प्रभास के फैंस सलार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस बार तो भाई जबरदस्त भिड़ंत होने जा रही है बॉक्स ऑफिस पर, सलार वर्सेस डंकी, या डंकी वर्सेस सलार कह लीजिए, बात एक ही है। क्योंकि शाहरुख खान और प्रभास दोनों ही बहुत बड़े स्टार आज के जमाने के, और दोनों का डायरेक्ट फेस ऑफ, दोनों का ट्रेलर जब आया तो दोनों के ही ट्रेलर ने उनके फैंस को हल्का सा निराश किया। लेकिन फैंस का जज्बा जरा भी कम नहीं है अपने अपने स्टार्स को लेकर। और इस बीच सलार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि सलार में केजीएफ के हीरो यश भी एक कैमियो में नजर आने वाले हैं। आज सोशल मीडिया पर यह खबर जबरदस्त वायरल हुई कि सलार के चाइल्ड आर्टिस्ट तीर्था सुभाष ने गलती से ये खुलासा कर दिया कि सलार में यश भी कैमियो करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि तीर्था सुभाष सिंगर हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात गलती से कह दी, जबकि कुछ दिन पहले सलार के जो डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, उन्होंने ही केजीएफ भी बनाई थी, तो उनका कहना था कि सलार और केजीएफ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो यश इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अब जब तीर्था सुभाष ने ये कह दिया है कि सलार में यश भी नजर आने वाले हैं, तो फैंस तरह तरह की थ्योरीज ढूंढने लगे हैं। एक मीडिया हाउस से बातचीत में तीर्था सुभाष ने बताया था कि उन्होंने सलार के लिए 3 भाषाओं में गाना गाया है। इस दौरान उन्होंने गलती से कह दिया कि ये फिल्म प्रभास, यश और पृथ्वीराज सुकुमारन की है, यानी सलार में यश का कैमियो होगा। और भाई ये खबर तो फैंस के लिए दिल खुश कर देने वाली है, क्योंकि फैंस जितने दीवाने प्रभास के हैं उतने ही दीवाने यश के भी हैं।